हल्द्वानी से बड़ी खबर मिली है। हल्द्वानी विजिलेंस की टीम ने उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील से कानून गौ को 5,000 रिश्वत के साथ दबोचा है। बताया गया कि आरोपी कानून गौ धनेश कुमार पैमाइश के नाम पर 5,000 की रिश्वत ले रहा था, जिसे हल्द्वानी विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक कृषि भूमि की नाप कराने के एवज में रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। धनेश कुमार किच्छा तहसील में राजस्व निरीक्षक कानून गौ के पद पर तैनात है। शिकायतकर्ता मदन कुमार ने अप्रैल 2022 में पैमाइश शुल्क के तौर पर 9,000 रुपये तहसील में जमा कराए थे, लेकिन आरोपी ने रिश्वत ना मिलने के कारण पैमाइश का काम नहीं किया और आरोपी से टालता रहा, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने 19 जनवरी को सतर्कता अधिष्ठान हल्द्वानी में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जांच हुई और जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसपी विजिलेंस प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में और पुलिस उपाधीक्षक विजिलेंस शिखा अग्रवाल के पर्यवेक्षण और निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया। विजिलेंस ट्रैप टीम ने आरोपित राजस्व निरीक्षक कानून गौ धनेश कुमार को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।